चलिए मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम राव जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े लखनऊ स्टूडियो से, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में, डिबेट में। स्वदेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश सिंह जी। विक्रम राव जी मैं आप ही के पास आना चाहता हूँ सर। 12 राज्य हैं, 95 सीटें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, बिहार की 5 है, पश्चिम बंगाल की 3 है, महाराष्ट्र की 10 है, तमिलनाडु की 38 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीटें वहाँ पर हैं, वहाँ पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। असम की 5 सीटें हैं, जो कि सिलचर जो सीट है उस पर भी सबकी निगाहें हैं। सबसे पहला कमेंट आपका चाहूँगा इस चुनाव में आज, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा सा सुबह से घटा है सर, उतनी तेज़ी से जो परसेंटेज बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा है, लेकिन दिन ढलेगा वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा, लेकिन पहली टिप्पणी आपकी। हाँ, ये जरूर थोड़ा अचंभा हो रहा है जी कि सुबह एक घंटे में केवल 4% वोट पड़े हैं, जो आश्चर्यजनक है, क्योंकि आज इन 12 राज्यों में बहुत बहुत धुरंधर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे तम्बीदुराई हो तमिलनाडु में जी, या फारूक अब्दुल्ला हो कश्मीर में, सिलचर में है वो महिला कांग्रेस की नेता जी, या उत्तर प्रदेश में देख ले हम लोग फिल्म एक्ट्रेसेस वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वोटिंग तो बढ़नी चाहिए थी सुबह से। इसका न बढ़ना लगता है कि अरुचि है, या हो सकता है मौसम गर्मी बढ़ गई हो और दोपहर के बाद बढ़ सकता है। दूसरा, अभी आप कश्मीर के बारे में बात कर रहे थे शंकर, मुझे उस बारे में कह दूं आपसे कि फारूक अब्दुल्ला की जीत और हार पे बहुत कुछ निर्भर करता है दिल्ली की राजनीति भी, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला दल बदलते मशहूर हैं। वो कभी भाजपा सरकार में थे एनडीए में, कभी फिर कांग्रेस में चले आए, फिर दूसरी जगह रहे। उनका बेटा भी अटल बिहारी वाजपेयी का विदेश राज्य मंत्री था, फिर चला गया दूसरी पार्टी में। तो फारूक अब्दुल्ला की हार संभावना लगती है इस बार, उनके खिलाफ लोग लामबंद हो गए हैं। अगर वो जीत गए भले कम मार्जिन से, तो एक अचंभा जरूर होगा वहाँ के लोगों के लिए। और खालिद जहांगीर जो लड़ रहे हैं, ये खालिद जहांगीर भारतीय, इनकी पत्नी केरला की रही है और ये पत्रकार स्वयं रहे हैं और काफ़ी एक्टिव रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवा नहीं था घाटी में, इन्होंने पार्टी में शामिल होकर बनाने की कोशिश की, तो भारत के सेकुलर निज़ाम के लिए श्रीनगर का चुनाव, श्रीनगर का परिणाम बहुत ही दिलचस्प होगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके लिए अच्छी खबर, अगर आप कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला के लिए थोड़ा सा टफ यहाँ पर होगा, क्योंकि उनके जो बयान हैं बेहद हमने देखा कि विवादित रहे हैं पिछले कुछ समय से, और अपने विवादित बयानों को लेकर वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। विक्रम जी मेरा सवाल आपसे था। हाँ, मैं रिपीट करेंगे जरा, ठीक से आ नहीं पाया, आवाज कट रही थी। चलिए मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास, मैं लौट रहा हूँ। स्वदेश सिंह जी, जिस बात का जिक्र विक्रम राव जी कर रहे थे, क्योंकि श्रीनगर सीट का हमने देखा, हालांकि जम्मू कश्मीर की सियासत में हमने देखा कि बीते दशकों पर अगर हम नज़र डालें तो अब्दुल्ला परिवार का वहाँ पर ऐसा दबदबा रहा है, वर्चस्व रहा, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है फारूक अब्दुल्ला। और जैसा कि विक्रम राव जी बता रहे थे कि जो विवादित बयान हैं उन बयानों से हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी उठाना पड़े, तो आपके लिए तो अच्छे संकेत हैं फिर, आप जो जीत के प्रति आश्वस्त हैं, आपका जो कैंडिडेट है आप खुद इस बात को कहते हैं कि इस बार बदलाव होगा, तो क्या समझा जाए इससे फिर? जी बिल्कुल, इस देश की जो राजनीति है बड़ी करवट वो लेने जा रही है। जब हम लोग एक डायनेस्टी अपीजमेंट और करप्शन की जो पॉलिटिक्स हमने पिछले दौर में देखी, उससे निजात मिलेगी और एक बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। आप देखेंगे अगर देश में अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो यहाँ पे पीडीपी हो या फिर एनसी हो, और उसके बनिस्बत सामने एक हमने जो जहांगीर जी को उतारा है, एक मिडिल क्लास से आते हैं, पत्रकार रहे हैं, इस तरह की लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, वहीं फारूक अब्दुल्ला साहब एक डायनेस्टी पॉलिटिक्स की नुमाइंदगी करते हैं जिनका 3/4 समय लंदन में गुजरा करता है, और जब हिंदुस्तान में आते हैं, जब सरकार में होते हैं तो एक अलग तरह के बयान, और जब सरकार में नहीं होते तो पाकिस्तान जाने तक के बयान वो दे डालते। तो श्रीनगर की जनता भी अब जान रही है कि उसको भी पाकिस्तान भेजने की बात तो आपके नेता भी तो करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उनको भेजेंगे जो अगर बात करेंगे कि भाई जो यहाँ पे पहले बताओ आदमी मरे कि पेड़ गिरे, ऐसी बात करेंगे तो जारी से बात है उनको कहाँ जाना चाहिए। जब कश्मीर की आजादी के बाद वो तब करते हैं जब वो सरकार में नहीं होते, नेता एक जैसे नहीं होते, इसको समझना पड़ेगा।
इस नेता एक जैसे नहीं होते, हम जब बात करते हैं तो इन बयानों से क्या समझा जाए फिर? इन बयानों से बयान पे समझा जाएगा कि बयान क्या दिया जा रहा है। बयान अगर आप ये देंगे कि वहाँ एयरफोर्स का आदमी गया लड़ाई करने, अटैक करने, और आप कहते हैं कि आदमी गिरे हैं कि पेड़ गिरे हैं, तो ये बयान एक अलग तरीके का होगा। और हम कहेंगे कि सेना का शौर्य है, तो वो एक अलग तरह का बयान होगा। मैं आप बात हो रही है अब्दुल्ला साहब की, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब्दुल्ला साहब जो हैं जब सरकार में होते हैं तो उनकी बयानबाजी अलग तरीके की होती है, सरकार के बाहर होते हैं तो एक अलग तरह की बयानबाजी होती है। और यह बदस्तूर पिछले 70 साल से कश्मीर में लागू है। शेख अब्दुल्ला साहब भी इसी तरह की राजनीति करते थे, नेहरू जी के साथ दबाव की, फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी वही की, और उमर अब्दुल्ला साहब भी इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। इस बार श्रीनगर की जनता इस पूरे अब्दुल्ला फैमिली को और पीडीपी की मुफ्ती फैमिली को रिजेक्ट करेगी, और एक मिडिल क्लास का नुमाइंदा जो पहले पत्रकार रहा है, काम करता रहा है लोगों के बीच में, वो चुन के आएगा। ठीक, विक्रम राव जी मैं आपके पास आता हूँ। धीरे धीरे हम अलग अलग सीटों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे पहले कर लेते हैं सर, मथुरा की बात कर लेते हैं। विक्रम राव जी सबसे पहले क्या लग रहा है आपको, 2014 में हेमा मालिनी ने जीत हासिल की थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि मोदी लहर है, इस बार हमने देखा कि धर्मेंद्र भी आए और ये कहा कि हेमा को अगर नहीं जिताएंगे तो मैं टंकी पर चढ़ जाऊंगा, प्रचार खूब हुआ वहां पर, लेकिन इस बार तस्वीर आपको कितनी अलग लग रही है, कितनी भिन्न लग रही है, क्योंकि गठबंधन भी है सामने और गठबंधन के सामने उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे कितनी टक्कर आपको मिलती हुई नजर आ रही है हेमा मालिनी को? शंकर, ये मथुरा का चुनाव दिलचस्प इसलिए हो गया है कि एक फिल्म स्टार बार रही, लेकिन आपके करेस्पॉन्डेंट ने बहुत अच्छी बात बताई, बुनियादी बात, कि अगर संपर्क नहीं बना रहा मतदाताओं से तो लोग क्यों वोट दें। हर आदमी चाहता है कि हमारा क्षेत्रीय सांसद उपलब्ध हो, एक्सेसिबिलिटी हो उसकी, उपलब्ध हो वो। हेमा मालिनी जब नहीं रहेंगी वहाँ तो नाराजगी होगी, दो बार जीत चुकी है, अब तीसरी बार हैट्रिक की बात होती है, तो मैं सहमत हूँ आपके मथुरा संवाददाता से कि कठिनाई पड़ेगी। और अगर वो जीती इस बार तो केवल अपने पति की वजह से, केवल पति ने जो अभियान किया और जाटों को प्रभावित किया वही उनके जीत का मुख्य कारण होगा मथुरा में। ठीक, मैं टिप्पणी ले लेता हूँ स्वदेश सिंह जी। देखिए ये मैं एक आप उनके सवाल में, विक्रम राजू के सवाल में एक मैं भी एक सवाल जोड़ देता हूँ। उन्होंने ये बात उठाई कि जनता के बीच में जो कनेक्ट होने की एक बात होती है जनप्रतिनिधि की अपने सांसद की, वो कहीं ना कहीं गैप है वहाँ पर। और सुबह से भी लगातार हम लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखा रहे हैं, शिकायत ज़्यादातर ये रहती है स्वदेश सिंह जी लोगों की कि हेमा मालिनी जल्दी से लोगों से मिलती नहीं है, अगर कोई अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता है तो बहुत कठिनाई होती है उनसे मिलने में। तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर किस रूप में ये समझा जाए कि 2014 की जो जीत है उसकी पुनरावृत्ति इस बार 2019 में होगी? देखिए, इस देश का एक आम वोटर ये बात समझता है कि वो दरअसल किसके लिए वोट देने जा रहा है, वो हेमा मालिनी को कमल के फूल के निशान पे वोट देगा तो इसका फ़ायदा दिल्ली में किसको होगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई व्यक्तित्व पे वोट देने जा रहा है। शिकायतें हो सकती हैं, उसको दूर भी किया जाएगा, वहाँ उनके जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री हैं जो मथुरा से आते हैं, लेकिन अगर इसकी तुलना करें कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डिंपल यादव, अखिलेश यादव और उनके तमाम नेता वो कितना अपने क्षेत्र में रहेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हेमा मालिनी जी उनसे ज़्यादा मथुरा गई हैं, उनसे ज़्यादा लोगों के बीच में रही हैं, और इसी बात शायद इसी वजह से पार्टी ने उनको अगली बार फिर से प्रत्याशी बनाया। राहुल गांधी अमेठी के अलावा वायनाड से भी लड़ना है क्योंकि उनको पता है अमेठी से हार चुके हैं, अमेठी 29 बार गए हैं, प्रधानमंत्री पहली बार लड़े थे, पहली बार लड़े थे, पहली बार ही लड़ रहे हैं, नहीं अमेठी से 3 बार लड़ चुके और 70 साल से अमेठी में कांग्रेस का परिवार रहा है सर, 2 सीटों से पहली बार अमेठी से, अमेठी में आज राहुल गांधी नहीं, उससे पहले सोनिया गांधी भी रही हैं, राजू गांधी जी भी हुआ करते थे, कांग्रेस परिवार के बड़े लोग हुआ करते थे। अमेठी में आज की तारीख में गेस्ट हाउस नहीं है जहां पे आप जाके रह सके, राहुल गांधी जाते हैं तो मुंशीगंज के सरकारी गेस्ट हाउस में रहकर नॉमिनेशन करते हैं, ये स्थिति है। तो अगर आप तुलना करेंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डिंपल यादव से, तो हेमा मालिनी जी का तो परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छा मिलेगा, चाहे संसद के अंदर मथुरा के मुद्दे उठाने की बात हो, सोशल मीडिया पे मथुरा के मुद्दे उठाने की बात हो, या और भी दूसरे मुद्दे हो। इसलिए अगर तुलना ही करनी है तो अगर उनसे करें तो उनसे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है, वहाँ जनप्रतिनिधि है, वहाँ से हमने मंत्री दिया, वो लगातार काम करते आ रहे हैं, और इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व पर मथुरा की जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे इस बार बटन दबाएगी। लेकिन आप तो खुद जानते हैं स्वदेश सिंह जी, इस बार 2014 वाली स्थिति नहीं है क्योंकि महागठबंधन आपके सामने है, नरेंद्र सिंह है, महेश पाठक है जो लगातार टक्कर दे रहे हैं हेमा मालिनी को, और फिर ये कैसे मान लिया जाए कि टक्कर नहीं है, फिर ये कैसे मान लिया जाए कि 2014 वाली स्थिति दोबारा से आएगी?
आपने ही कहा कि वहां पे महागठबंधन का भी प्रत्याशी है, कांग्रेस का भी प्रत्याशी है, उन्होंने आपस में गठबंधन नहीं किया। पिछली बार जयंत चौधरी लड़े थे, 5 साल काम करना चाहिए था क्षेत्र में, मथुरा में आपने कोई आप एक समुदाय विशेष का नाम ले रहे थे, वहां पे रहकर उनको काम करना चाहिए था और फिर हेमा मालिनी के सामने फिर से लड़ना चाहिए था, शायद वो वोटों का अंतर कम होता और वो चुनाव से इस बार जीत जाते, लेकिन वो कहां गए, अपने दादा की सीट पे बागपत में चुनाव लड़ने गए, हेमा मालिनी को टक्कर देने नहीं आए। अगर इतनी कमजोर स्थिति थी हेमा मालिनी की, क्यों नहीं वो चुनाव लड़ रहे मथुरा की सीट पे, उनको दूसरी सीट पे लड़ना पड़ रहा है, ऐसे सीट नरेंद्र सिंह को वहां लड़ाना पड़ रहा है, कांग्रेस का प्रत्याशी है, सेक्युलर वोटों को जो सेक्युलर तो वोट सारी सीटें बदली ना आपने, गिरिराज की सीट बदली, बिल्कुल बदली है, उदाहरण बिल्कुल बदली है, लेकिन लेकिन गिरिराज सिंह में और जयंत चौधरी में अंतर है। जयंत चौधरी आपको पता है कौन है, वो उत्तराधिकारी है वहां की राजनीति के, राष्ट्रीय लोकदल के, अभी आज की तारीख में अजीत सिंह बूढ़े हो चुके हैं, उनको दिखाना चाहिए था कि हाँ मैंने पिछले 5 साल मथुरा में लगातार काम किया, मैं आता रहा, स्मृति जी पिछले अमेठी में हारी और 5 साल वो अमेठी जाती रही, राहुल गांधी से ज्यादा गए और ताल ठोक के वहां फिर से चुनाव लड़ रही है और राहुल गांधी को वायनाड जाना पड़ गया है। हेमा मालिनी हम अगर दोबारा लड़ा रहे तो पूरे विश्वास के साथ लड़ा रहे कि वहां का वहां की जनता उनको समर्थन देगी, इसलिए प्रत्याशी उनको हमने रिपीट किया, जयंत चौधरी रिपीट नहीं हुए। अच्छा ये बताइए कि जो शिकायत है मतदाताओं की, आम वोटर्स की, वहाँ की जनता की, मथुरा की जनता की, कि अपने सांसद से अगर हम मिलना चाहें तो आसानी से नहीं मिल सकते हैं वहाँ पर। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है सर वो है अपने, क्योंकि जब आदमी अपना मानता है ना तभी शिकायत भी करता है, नहीं तो आउटराइटली रिजेक्ट कर देता है और उसकी फील हमें भी सर्वे के थ्रू आ जाती है, यानी कि वो जो अपने हैं कि हमको उनको अपना मान रही है, भाजपा को अपना मान रही है और उस अपनेपन के कारण ही शिकायत होगी, दर्ज करेगा जिस फोरम पे दर्ज कर सकता है, एमएलए पे, मंत्री पे, हेमा मालिनी से के सामने झगड़ा करके कहेगा और लेकिन अल्टीमेटली चुनाव के दिन वो वोट करेगा। आज वो वोट कर रहा है, आप वहां पता कीजिए कि किसको ज्यादा वोट पड़ने में, दावे के साथ कह रहा हूं कि हेमा मालिनी जी कमल के फूल के निशान पे मथुरा से जीत के आ रही, ये अपनापन ही जिताएगा भारतीय जनता पार्टी को। आप कह रहे हैं अपनापन, कुछ दिन पहले हेमा मालिनी का एक बयान आपने भी सुना होगा जिसमें जब उनसे ये सवाल पूछा गया था मीडिया की तरफ से तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैं हेमा मालिनी हूं, यूं ही थोड़ी मिल लूंगी हर किसी से। ये बयान मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं बार बार कह रहा हूं कोई शिकायत अगर बिल्कुल हो, आपने कहा तो होगा ही, मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा कि उसके बावजूद हेमा मालिनी जी के साथ साथ जो उसके अगर आप देखें बरक्स आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि भी रखनी पड़ेगी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए क्या काम किए ये भी देखना पड़ेगा, मथुरा एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, उसके लिए 70 साल में 55 साल के कांग्रेस के शासन में क्या काम हुए और 5 साल में क्या काम हुए, वृंदावन और बरसाना और आप जाके देख के आइए, दिल्ली के लोग जाते रहते हैं वहां पे वृंदावन में दर्शन करने, कि काम हुए हैं कि नहीं हुए तो आपको पता चलेगा, स्वदेश दर्शन प्रसाद ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें तीर्थों के विकास के लिए काम हुआ है, मथुरा देश का एक बड़ा तीर्थ है, उसको वो सम्मान लौटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज मतदाता जब वोट कर रहा होगा तो उसे ये भी याद होगा कि मथुरा जो है उसको देश के पटल पे एक बार फिर से स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, वो भाजपा को बिल्कुल वोट देगा, इसमें कोई संशय होना नहीं चाहिए। ठीक, बिल्कुल, हम देखते हैं इस बार स्वदेश सिंह जी कौन कितना वोट करता है और किसको वोट करता है, ये तो लोकतंत्र की तस्वीर है, जनता को तय करना है। अजय वर्मा जी को भी मैं इस डिबेट में जोड़ लेता हूं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी थोड़ा आप लेट जुड़े, शुक्रिया, धन्यवाद आपका इस डिबेट में। मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ, स्वदेश सिंह जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे बीपी पैट और ईवीएम बाधित कर रही है मतदान को, मुझे ट्रैफिक ने बाधित कर दिया, आप बीच में ना बोले, मैं आपके बड़े ध्यान से सुना है, अगर आपको चलाना आप ही चलाते रहिए। जैसे बीपी पैट और इलेक्शन ईवीएम मशीन बाधित कर रही है मतदान को, ऐसे ही ट्रैफिक ने मुझे बाधित कर दिया, क्षमा चाहता हूं आपसे कि मैं लेट आया। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता को कांग्रेस फोबिया हो गया है, 70 साल अपने 5 साल में कोई क्या बयान नहीं, कोई मतलब नहीं, ना 2 करोड़ नौकरी। बीजेपी तो आपको भी कहती है कि चौकीदार फोबिया हो गया है। नहीं नहीं, राहुल गांधी जहां जाते हैं चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, ऐसा लगता है कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, ये आरोप लगता है। देश में जब वैज्ञानिक नेहरू जी ने बनाए, मनमोहन सिंह जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पत्रकार, जर्नलिस्ट बनाए, अब ये देश इतिहास की तरफ उल्टा लौट रहा है वापस। अब चौकीदार बनाया जा रहा है, चौकीदार की भर्तियां निकाली जा रही है, अमेरिका से, चीन से, ब्रिटेन से, रसा से तो संबंध खराब हो रहे हैं, नेपाल से अच्छे हो रहे हैं, इसलिए कि चौकीदार एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे जाएंगे वहां से, चौकीदार। और चौकीदार की नई भर्ती, पहले तो मापदंड पता चल जाए कि चौकीदार का वेतन मान कितना है, फिर ये जितने जेड प्लस के लोग हैं जो चौकीदार कह के, नकली चौकीदार कह के, और सिक्योरिटी में SPG की में रह रहे हैं और तनख्वाह ले रहे हैं राजाओं की, तो पहले तो चौकीदार का वेतन मान लेना चाहिए, यानी झूठी ये सब जनता समझ रही है। अब मैं बताता हूँ हेमा मालिनी और मथुरा के ऊपर, ड्रीम गर्ल वहां से सम्मानीय, 2 बार चुनाव जीतने के बाद कैबिनेट में जगह नहीं मिलती है माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी को,
और दो बार तीन बार चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी को महत्वपूर्ण कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है, चिंता का और क्वेश्चन का विषय होता है। हेमा मालिनी जी बड़ी पीड़ित हैं, दुखी हैं वो इस बात से। उन्हें अंदर ही अंदर कह रही थी चुनाव है लड़ूंगी, जीत गई तो ठीक है, नहीं जीती तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है। वो बड़ा नाम है, पॉपुलरिटी है, लेकिन मथुरा के वोटर अब ये समझ गए हैं कि इस उत्तर प्रदेश को जो ठगने का काम, जो देश को ठगने का काम 5 साल से सूट बूट वाले नामदार चौकीदार टाइप लोग कर रहे हैं, आखिर ये भारत को कब तक ठगेंगे, कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक गुमराह करेंगे। ये जो मतदान आज हो रहा है, जब इनकी कोई बस नहीं चला, अब इनके पास बौखलाहट के सिवा देश के नामदार प्रधानमंत्री, जैसे वार्ड का चुनाव होता है एक एक छोटी स्टेट में 30-30 जनसभाएं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा खत्म कर दी गई है, लोगों के टैक्स का पैसा उसमें इस्तेमाल होकर उनका मिसयूज हो रहा है, और चौकीदार साहब कह रहे हैं भाइयों बहनों मित्रों कल आप बड़ा एक निंदनीय अभियान देखिए। पहले तो वो करते थे अंतरिक्ष पर राजनीति, उससे पहले करते थे जमीन पर बालाकोट पर राजनीति, उसके नाम पर वोट मांगते थे। जमीन पर काम करा होता तो अंतरिक्ष पर नहीं करते, जब अंतरिक्ष पे भी कोई काम नहीं करा तो अब वोट मांग रहे हैं वो आपदा के नाम पर। कल और परसों राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल और गुजरात में एक बड़ी आपदा आई, 35 से ज्यादा लोग मारे गए, 35 का सरकारी आंकड़ा है, और आंकड़ा भी आ सकता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि पूरा देश देखे और सुने, वोटर सुने आज के दिन कि प्रधानमंत्री कार्यालय से और प्रधानमंत्री का ट्वीट होता है कि गुजरात में मरे हुए किसानों के लिए, गुजरात के जो लोग मरे हैं उनके लिए 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, और उनके प्रति संवेदनाएं और उनकी आत्मा के प्रति शांति के लिए देश के चौकीदार। उसके बाद उन्होंने कर दिया था ट्वीट, जब जब कमलनाथ जी ने रीट्वीट किया, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने रीट्वीट किया कि हिंदुस्तान के और लोग राजस्थान और मध्य प्रदेश और अरुणाचल में भी बसते हैं, भाइयों बहनों मित्रों, अच्छा मैं जवाब ले लेता हूं, गुजरात मध्य प्रदेश और अरुणाचल पाकिस्तान का पार्ट है, स्वदेशी है, क्यों सिर्फ गुजरात को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा, क्या क्या देश, पूरा देश उनके लिए एक नहीं है, ये इनकी मानसिकता है। 2014 में भी देखा है, अगर जनादेश कोई मतलब रखता है तो हमने देखा है कि 2014 से लेके 2019 के बीच में एक दो अपवाद छोड़ दे तो लगातार जो चुनाव है प्रधानमंत्री जीतते आ रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी जब जिस दिन तक गुजरात के सीएम थे तो 5.5 करोड़ गुजराती बिल्कुल बोला करते थे, उसके बाद हमने देखा वो 130 करोड़ भारतवासियों की बात करते हैं, भाइयों बहनों की बात करते हैं, तो उसके लिए उनके लिए कोई दुआ करने की बात है नहीं। जहां तक बात आपने कही आपदा की बात, तो गुजरात के लिए भी मदद हुई है, दूसरे राज्यों के लिए मदद हुई है, उसका आकलन होता है, उसके बाद फौरी तौर पर तुरंत एक सहायता दी जाती है और फिर लंबे तौर पर भी एक सहायता दी जाती है, तो उसका काम चल रहा है। राज्य सरकार भी कुछ करने के लिए होती है, गुजरात में भाजपा की सरकार है, उन्होंने काम किया, मध्य प्रदेश सरकार को भी करना चाहिए, केंद्र सरकार अपना काम करेगी, राज्य सरकार बताती है कि नहीं इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए तो केंद्र सरकार भी करती है, लेकिन फौरी तौर पर सहायता दी गई, अगर उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है तो गुजरात को क्यों, गुजरात को नहीं सभी राज्यों को बात किया ना, उसके बाद जब सवाल आकलन होगा सर, अगर कोई आपदा आएगी तो ऐसा भी तो होता है कि आंधी यहां कम आई, पानी वहां ज्यादा बरसा, तूफान वहां ज्यादा आया, उसके आधार पे भी होता है। उन्होंने मध्य प्रदेश का 15 किसान मरे, आपको इंटरपुट कर रहा हूं, टोकना नहीं चाहता, आप कैसी बात कर रहे हैं, आंकड़े दुरुस्त करके बैठे हैं, बिल्कुल आंकड़े दुरुस्त है, आपसे बेहतर दुरुस्त है, ऊंची आवाज में बात करके कुछ नहीं होगा, आराम से बात कीजिए, आपको मैंने टोका नहीं, आराम से बात कीजिए, आप बोले मुद्दे पाइए स्वदेश जी, मुद्दे एक मिनट अजय जी, आप बोले, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब आपदा आती है उसको राष्ट्रीय आपदा आती है तो राज्य के लिए केंद्र सरकार मदद करती है, फौरी तौर पर सहायता दी गई, गुजरात में संकट ज्यादा था और उसके बाद दूसरे राज्यों में भी सहायता दी गई, राज्यों की रिपोर्ट गुजरात की रिपोर्ट पहले पहुंच गई होगी, ये भी सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश की तो रिपोर्ट वहां केंद्र सरकार के पास क्यों नहीं पहुंची, केंद्र सरकार कैसे आकलन करती है, कुछ राज्य जिला केंद्र ब्लॉक कुछ होती है ना व्यवस्था इस देश में कि सीधे तौर पे एक दिव्य दृष्टि से सबको पता चल जाएगा, गुजरात से रिपोर्ट पहुंच गई वहां कर दिया, मध्य प्रदेश से रिपोर्ट पहुंच गई वहां कर दिया, छोटी सी बात है, छोड़ दीजिए उसको छोड़ दीजिए, मैं कुछ कह रहे हैं, भगवान जो है विक्रम राव जी को बचाओ, ये आपदा होती है भगवान भेजता है, अब तो ये भी तय हो गया कि आपदा मोदी भेज रहे हैं, एमपी में लोगों को मरवा दिया आपदा प्रधानमंत्री और बीजेपी भेज रही है आपदा, अब तो आपदा भी ये तय कर रहे हैं कि साहब पहले गुजरात में आपदा कमाई पर बाद में पता चला, वाह 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 वाह, पूरा भारतवासी इस जनता टीवी पे देखो, मानसिकता देखो और उसके बाद वोट करना आज दूसरे चरण में, तो पता चल जाएगा कि आपदा पर
अंतरिक्ष पर और पृथ्वी पर राजनीति करने वाले लोग इस देश के लिए क्या करेंगे? 5 सालों में तो कुछ किया ही नहीं, और आने वाले 5 का और ख्वाब दिखा रहे हैं, झूठे वादे दिखा रहे हैं। ठीक है विक्रम राव जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो हम थे दरअसल मथुरा की सीट पर, थोड़ा सा बहस दूसरी तरफ चली गई थी आरोपों पर। स्वदेश सिंह जी इस बात को कह रहे हैं कि हेमा मालिनी ने 2014 से लेकर 2019 तक विकास के तमाम वहां पर काम किए हैं और मथुरा की जनता तो खुश है, पर्यटक स्थल भी मथुरा है, तमाम विकास के काम हुए हैं और जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। हमने देखा कुछ दिन पहले धर्मेंद्र आए, थोड़ी देर पहले हमने इस बात का भी जिक्र किया, उन्होंने एक भाषण में इस बात को कहा था कि आप हेमा को अगर आपने नहीं जिताया तो मैं टंकी पर चढ़ जाऊंगा, वोटरों तक पहुंचने की एक कला कही जा सकती है, वो कितना कामयाब होंगे वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जो दावे कर रहे हैं स्वदेश सिंह जी, जो स्टूडियो में बैठकर इस बात को कह रहे हैं कि भी 2014 की जो तस्वीर थी कमोवेश वही तस्वीर 2019 में रहने वाली, यानी कि हेमा मालिनी मथुरा से जीतने वाली है, लेकिन सवाल हमने उठाया कि जनता से कितना कनेक्ट हो पाई? बहुत सारे लोगों की हमने प्रतिक्रियाएं राय भी सुनाई सुबह से कि जनता इस बात को कहती है कि हम तो अपने सांसद से मिल ही नहीं सकते हैं, उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या ये चीजें भी कहीं नेगेटिव जाएंगी, क्या हेमा मालिनी के खिलाफ जा सकती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात तो है। अच्छा, विकास कितना किया, कितना ध्यान दिया अपने चुनाव क्षेत्र में, इसका तो जवाब मिल जाएगा चुनाव जब रिजल्ट आएगा। अगर उनको वोट मिलेंगे, ये कौन पीछे बोलने से मना कीजिए इनसे, मना कीजिए जो पीछे बोल रहे हैं। ठीक ठीक, आप बात रखें, ये तरीका नहीं बहस करने का जी। मुझे ये कहना है, अगर इनने विकास का काम किया हेमा मालिनी ने, तो तय हो जाएगा आज इनको कितने वोट पड़ते हैं, कितनी की संख्या बढ़ती है, ये तो इम्तिहान है। दूसरी बात यह है कि आज लोग देखते हैं कि हमारा वोटर का स्वार्थ होता है, कौन हमारे नजदीक रहा, कितने वोट हमको मिले, उसके उसमें एक तारतम्य होता है। और ये नाटकीय ढंग से कहना कि हम चढ़ जाएंगे टंकी पर, ये तो खैर ड्रामेटिक्स है, नाटकी है, इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ठीक, यहाँ मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा, सब संपर्कों के हिसाब से जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, विक्रम राव जी बोले, आप आवाज़ आ रही, बिल्कुल आ रही है। ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो मोदी के बारे में कि उन्होंने गुजरात का नाम लिया, ये ठीक नहीं था। मोदी देश के प्रधानमंत्री है, न कि राज्य विशेष के। लेकिन इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश ने थोक में प्रधानमंत्री दिया, 6-7 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक, नेहरू से लेकर। यूपी का क्या विकास हुआ? क्योंकि यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बने रहे, प्रदेश की उपेक्षा करते रहे, आज गरीबी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो तुलना करना पड़ेगा कि एक आदमी बात कर रहा है अपने प्रदेश की प्रधानमंत्री, और 6-7 प्रधानमंत्री हुए, यूपी का विकास नहीं हुआ। तो एक संदर्भ में देखना पड़ेगा इन बातों को जी। क्योंकि लखनऊ का मैं वोटर हूँ, मेरा अधिकांश पत्रकारी जीवन यही गुजरा है जी। तो आज पूनम सिन्हा के जिस प्रकार नॉमिनेशन किया है, मैं जरूर कहना चाहूँगा जी। शंकर जी, लखनऊ के बारे में एक निरंतर उपेक्षा होती रही समाजवादी पार्टी द्वारा। ठीक, मुझे मौका मिला मुलायम सिंह जी से कहने का, अखिलेश यादव से कहने का, हर बार फिल्मी सितारे को ले आते हैं, नफीसा अली को लाए, मुजफ्फर अली को लाए, राज बब्बर को लाए, सबको ले आए, और कितना उपलब्ध रहे, कितना काम किया लोगों ने, कौन जा रहा। तो ये एक अजीब सी फितरत हो गई है समाजवादी पार्टी की कि आकर्षण को लाओ, न कि पार्टी के मैनिफेस्टो पे, न कि कार्यकर्ता को। क्या उत्तर प्रदेश में कोई भी समाजवादी पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता, योग्य नेता, अर्हता क्षमता वाला व्यक्ति नहीं था जो लखनऊ में टक्कर दे सके भारतीय जनता पार्टी को, टकरा सके कांग्रेस पार्टी से और जीत सके? ये बहुत गौरतलब बात थी। फिर एक बार इम्पोर्टेड कैंडिडेट जो आएगा, दूसरे प्रदेश से आएगा और लखनऊ से लड़ेगा, तो लखनऊ के लोग कोई मूर्ख नहीं है। वो लोग अटल बिहारी वाजपेयी के, विजयलक्ष्मी पंडित के जी, पुलिन बनर्जी के, इन सब के वोटर रह चुके हैं। तो ये अच्छे अच्छे उम्मीदवारों को भेजने वाले लोकसभा के लोग, अगर ये लोग नहीं साथ देंगे, अच्छा उम्मीदवार नहीं लाएगा, स्थानीय नहीं होगा, पार्टी का कमिटेड वर्कर नहीं होगा, जो वाकई में समाजवाद समझता हो, मैनिफेस्टो समझता हो, तो क्यों वोट देंगे, किस आधार पर वोट देंगे शंकर? बिल्कुल। नमस्कार, आवाज आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल आवाज आ रही सर आपकी, और सवाल आपने उठाया और किस तरीके से जनता ये समझती है, जनता ये जानती है कि किन मुद्दों को लेकर वोट देना है और कैसा उन्हें प्रत्याशी चुनना है।
अजय वर्मा, मैं आपके पास आता हूं। फतेहपुर सीकरी की बात कर लेते हैं। सिलसिलेवार तरीके से हमें लगता है कि किस सीट का विश्लेषण हो जाए, ज़्यादा हो हल्ला न हो के मुद्दे पर आइए और मुद्दे पर बात करते हैं। फतेहपुर सीकरी में राज बब्बर हैं इस बार और बीजेपी के राजकुमार चाहर हैं, गठबंधन के प्रत्याशी गुड्डू पंडित जी। 2009 में तो मामूली अंतर से चुनाव हारे थे राज बब्बर, प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है आपके लिए इस बार ये। राहुल गांधी भी वहां गए, प्रियंका गांधी ने भी खूब प्रचार किया, तो क्या वो रंग लाएगा क्या इस बार? पिछले 20-25 वर्षों से राज बब्बर जी पूर्णतः जनसेवा के लिए समर्पित हैं, ठीक, और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के हेड हैं, चीफ हैं। और जन फतेहपुर सीकरी में मैं भी चुनाव में गया था, फतेहपुर सीकरी में जो 650 करोड़ रुपए जब राज बब्बर साहब वहाँ सांसद थे अपने कार्यकाल में एक लेके आए थे, 150 करोड़ रुपए एक लेके आए थे, कई रोड्स सारी चीज़ें, पिछली बार भी राज बब्बर साहब हारे नहीं थे, उनको हराया गया था, पूरा देश जानता था प्रशासनिक तरीके से किस स्तर से, लेकिन चूंकि हार और जीत तो एक वोट से भी हार जीत होती है। आज की तारीख में यह है कि वक्त है बदलाव का, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग विकास की बात नहीं करते हैं, लोग नौकरी की बात के ऊपर पूछते हैं कि आपने क्या सर्व किया, लोग कश्मीर और पाकिस्तान पे पूछते हैं, लोग ये भी क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि चुनाव के दौरान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और आईएसआई के पूर्व चीफ मोदी साहब को क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्यों बीजेपी की जीत चाहते हैं, आखिर ये क्या गलबैया है। लोग ये भी पूछते हैं कि बालाकोट पर जब 45 जवान शहीद हुए, 15 और मरे, और उसके बाद पाकिस्तान डे के ऊपर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि उसको लव लेटर लिखा गया कि नहीं। अरे आप शोक प्रकट करते, आप अपनी गुस्सा दिखाते। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, हमें एक अच्छी तरह बयान याद है कि ऐसे प्रधानमंत्री चूड़ी पहन ले, हम चूड़ी भिजवा रहे हैं, ऐसे संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया और कहा कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दो। और जब वो तो कह रहे हैं जवाब दिया ना, आपको आपत्ति क्या? वो आपत्ति हमें नहीं है, वो आपत्ति सीआरपीएफ के परिवारों को और बाहर के 18 देश जिनसे सर्टिफिकेट लेते हैं, जहाँ रेड कारपेट लेते हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट और चैनल पूछते हैं कि अगर आपने बालाकोट में 56 इंच का सीना दिखाया था तो बता दीजिए, गिनती भी बता दीजिए। नोटबंदी के बाद नोट गिनने में तो 2 साल लग जाते हैं, हमारे जवान जब शहीद होते हैं जो कि आर्मी के जहाज तक नहीं दिए गए उनको, और उनको नीचे भेज दिया गया, किस लिए ये भी पूरा देश जानता है, पूरे देश ने बताया कि आखिर ये जहाज मांगे गए थे, इन्हें दिए नहीं गए, तब ये काफिले में गए। उनकी गिनती शाम तक होती है और देश के नाम चारी तड़ी पार लोग ये बताते हैं 10 मिनट बाद ही कि 250 मर गए, जहाज में बैठ के साथ गए थे क्या उसी मिसाइल वाले में जो वहां बैठ के गिनती करके आ गए 10 मिनट बाद? नहीं तो आप ही लोग, और वो कुछ तो, और वो कुछ गोदी चैनल, अजय वर्मा विपक्ष तो पूछ रहा था कि भाई सबूत दीजिए, विपक्ष तो पूछेगा ही, जब वो कुछ गोदी चैनल नमो चैनल एक 250 बता रहा है, एक 300 बता रहा है, एक 200 बता रहा है, अरे भाई आपके भी संवाददाता बैठ के गए थे क्या कि गिनती एक दिन में ही 10 मिनट बाद गिनती हो जाती तो है? सेना की तो बात मानेंगे ना, सेना का आंकड़ा तो मानेंगे, और पहली बार सेना का आंकड़ा मानेंगे नहीं जनाब, पहली बार सेना के उच्च अधिकारियों को आना पड़ा, और उन्हें कहना पड़ा कि हम टारगेट हिट करते हैं, गिनती नहीं गिनते, गिनती गिनने का काम सरकार जाने और आप जाने, ठीक, ये पहली बार आना पड़ा जो निंदनीय था सरकार, मैं खत्म कर दूं, ठीक, बालाकोट के सैनिकों पर राजनीति करते हैं, जवाब दीजिए कपिल श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा, ठीक सर, जवाब मैं देता हूं, अगर जमीन में काम करा होता तो ये जरूरत नहीं पड़ी मांगने। विकास नहीं है, विकास के मुद्दे को लेकर नहीं है, सिर्फ एयर स्ट्राइक मुद्दा है, राष्ट्रवाद मुद्दा है जिसको लेकर आप चुनाव में आ रहे हैं, क्या कोई मुद्दा नहीं बचा जो आरोप लगा रहे हैं अजय जी? देखिए सुरक्षा, सुशासन और राष्ट्रवाद, इसको लेके हम कभी भी अपोलिटिक रहे नहीं हैं। 21 अक्टूबर 1951 को हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी और कश्मीर के मुद्दे पे ही हुई थी कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो इसको लेके कभी भी हमें कोई शंका शुभ संशय रहा नहीं है कि सुरक्षा के मुद्दे पे इस देश में चुनाव नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि जब 26/11 होता है और एयरफोर्स कहती है कि सर हम एयर स्ट्राइक के लिए रेडी है, कांग्रेस की सरकार आज्ञा नहीं देती है और इस वजह से कोई भी कार्रवाई की नहीं जाती है, तीन दिन तक बम्बई बंधक बना रहता है, हमारे यहाँ उड़ी होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, पुलवामा होता है तो बालाकोट होता है, हमने इस देश को एक नया सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन दिया है कि अगर हमारी जमीन पे कुछ आहत हुआ, एक सैनिक आहत हुआ, एक गोली चली तो उधर गोला चलेगा, ये बहुत स्पष्ट अब उनको हो चुका है, पाकिस्तान भी ये जान चुका है, इसलिए बातचीत के लिए आ रहे हैं। जब आप प्रमाण मांगते हैं तो हमसे नहीं मांगते, हमसे प्रमाण नहीं मांगते कि आप कितने लोग मरे, आप सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे होते हैं, अभी आप कह रहे हैं कि ईडी की रेड, सीबीआई की रेड, इनकम टैक्स की रेड सरकार करा रही है, जब हमने जब बालाकोट किया तो आप कहते हैं कि सेना ने किया, तो एक बार तय कर लीजिए कि इस देश में सरकार काम करती है कि अलग अलग संस्थाएं काम करती है, सरकारें बदलती हैं तो निर्णय लेने के तरीके ही बदलते हैं, हम तो कहते हैं कि हम निर्णय लेने वाली सरकार है,
कभी अच्छे निर्णय होंगे, कभी कम अच्छे निर्णय होंगे, निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए हम इस देश की जनता से अपील करते हैं, एक मजबूत सरकार, निर्णय लेने वाली सरकार बनाइए कि 26/11 हो जाए, देश की आर्थिक राजधानी 3 दिन तक बंधक बनी रहे, वहां पे सबसे बड़े होटल में सैकड़ों लोग बंधक बने रहे और सामने पता है कि अजमल कसाब है, 5 साल तक वो जेल में पड़ा रहे और बिरयानी खाता रहे, ऐसी नौबत मत आने देना। इस देश में एक निर्णायक सरकार बनाना, और इस देश की जनता जानती है, चाहे फतेहपुर हो, चाहे मथुरा हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, वो हर वोट पे, हर बूथ पे, हर वोटिंग मशीन पे वो एक निर्णायक सरकार चुनने जा रही है, जिसका मतलब है कि इस देश का हर वोटर कमल के निशान पे बटन दबाने जा रहा है। और आप देखेंगे पिछली बार से ज्यादा सीटें, पिछली बार से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को आने जा रहा है। ठीक है अजय जी, अपनी बात रखें, फिर मैं लखनऊ स्टूडियो जाऊंगा, समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़े। ये जनता मुद्दों पर चुनाव चाहती है, ये विकास पर चुनाव चाहती है, ये जनता सड़कों पर चुनाव चाहती है, जनता व्यापार पर चुनाव चाहती है, गैस सिलेंडर पर चुनाव चाहती है जो 800 रुपए हुआ, ये पेट्रोल डीजल पर चुनाव चाहती है, एक वो पौने दो आंख वाले बाबा अब तो नजर ही नहीं आते हैं, आजकल मुझे दिख गए थे गलती से, जो 20,000 करोड़ के बन गए, वो ये कहते थे बीजेपी की सरकार को आप लाएंगे तो 30-40 रुपए पेट्रोल डीजल मिलेगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके टीवी आंकड़े चैनल कहते थे, और गैस सिलेंडर आपको 300 से 400 मिलेगा, तो किसकी सरकार लाएंगे? और फिर सलवार पहन के भाग जाते हैं वहां से, हिंदुस्तान की राजधानी से, और अब गायब है, बिल्कुल नजर नहीं आते हैं, क्योंकि उनका कारोबार 20,000 करोड़ का हो गया है। मैं इस देश के लोगों को और यहां बैठे हुए सम्मानित लोग बैठे हुए हैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए 37 सीट तो तमिलनाडु से इनकी कम हो गई है, क्योंकि जयललिता जी की डेथ हो गई और गठबंधन इनका दूसरा है, और 50 सीट से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कम होगी, तो 87 सीट, और 6 स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, राजस्थान मैंने बता दिया, अब छत्तीसगढ़, इन 6 स्टेटों से इनकी 139 सीटें कम हो रही हैं, क्योंकि इनकी सरकार थी तो मनमानी करते थे, बूथ कैप्चरिंग करना, अपने फेवर में करना, सारी चीजें करना, और 2014 में कांग्रेस पार्टी की गलतियां लोगों को लगी तो उन्होंने हमको विपक्ष में पहुंचा दिया और हम लोगों ने सहर स्वीकार कर लिया, ठीक है, लेकिन 2014 वाली स्टेज नहीं है, जनता जागरूक है, वोटर जागरूक है, उसे पता है कि इन बहकावों में, इनके छलावों में, इनके झूठे वादों पे नहीं आएंगे, इनका कोई वादा पूरा नहीं हुआ है जो इन्होंने सर्व करने की अपने मैनिफेस्टो में दी थी, अपना झांसा पत्र इन्होंने तैयार करके दे दिया है, पुराने वादों की कोई घोषणाएं नहीं की गई है, और राम मंदिर के नाम पे तो हिंदुत्व के नाम पर जो ठगा गया अब तो वो हिंदुत्व भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो वोट का जहां तक सवाल है, सरकार जा रही है, जाते हुए नाम में सवारी नहीं करते, हम नहीं कह रहे कि कौन आ रहा है, लेकिन सरकार के खिलाफ एक वो लोग जो देशभक्ति पे मांग करते हैं, वो लोग जो व्यापार की बात करते हैं, वो लोग जो बनिए और व्यापारी को चोर नहीं कहते, वो लोग जो छोटा व्यापार करके अपने 20 घरानों की पूंजी को नहीं बढ़ना देना चाहते, वो लोग आ रहे हैं, जागरूक होइए, मतदान करिए, और आज के दिन मैं अपील करता हूं इस चैनल से ज्यादा घरों से निकल के हम भी यही मतदान कीजिए। कपीश श्रीवास्तव जी को जोड़ लेता हूं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं लखनऊ स्टूडियो से। कपीश जी, क्या लग रहा है आपको, विकास भारी पड़ेगा इस बार महागठबंधन पर, क्योंकि जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, विकास हुआ इन पांच सालों में, और इस बार कोई भी गठबंधन हो, और कहा तो यह भी जा रहा है कि ऊपरी तौर पर यह गठबंधन है, अंदरूनी तौर पर तो मन मिले भी नहीं अभी तक पूरी तरह, तो कितनी चुनौती और कितना मुकाबला आप मान रहे हैं इस बार? जी, सबसे पहली बात तो यह है, हाँ जी जी शंकर, देखिए शंकर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बात विकास की नहीं है इन 5 सालों, बल्कि विकास इस बात का है कि ये पतन कितना करा दिए हैं, पतन का विकास इन्होंने जो कराया है, बात उस पर होनी चाहिए कि देखिए जिस तरीके से नोटबंदी के अंदर कही गई थी कि तमाम चीज़ें ये हो जाएगी, काला धन आ जाएगा, एक एक जनी के खाते में जो है 15 लाख रुपए चले जाएंगे, तो आप बताइए डिमोनेटेशन का अगर कोई फायदा हुआ हो, काला धन आया हो, आतंकवाद रुक गया हो, नक्सलवाद रुक गया हो, या देश कैशलेस हो गया हो किसी भी किस्म का, बल्कि उससे एक घाटा ये हुआ कि जो इन्होंने 4,000 रुपए विनिमय की बात कही थी उसके अंदर इन्होंने जो देश के अंदर लगभग 5 लाख करोड़ रुपए फर्जी नोट थे उसको भी इन्होंने वाइट कर देने का काम कर दिया और नए से बदल और ओरिजिनल नोटों से बदल दिया, जिससे कहीं ना कहीं से जाने या अनजाने में जो है वो पाकिस्तान को 5 लाख करोड़ की टेरर फंडिंग हो गई। और आप दूसरी बात देख लीजिए,
इन्होंने 2014 के अंदर जो संकल्प पत्र दिया था उसका एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, ना बुलेट ट्रेन आई, ना नमामि गंगे के तहत जो है उनकी तो गंगा की मंत्री ही पोर्टफोलियो ही छीन लिया गया, 20,000 करोड़ रुपए गबन भी हो गए उसके अंदर, और गंगा जी वैसी की वैसी मैली है, बल्कि अब तो और ज्यादा मैली हो गई, ऐसा रिपोर्ट आया। तो कहने का मतलब यही है कि इन्होंने पतन किया, ना स्मार्ट सिटी बनाया, 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, 50 बीच में और बढ़ा दी गई थी, लेकिन हकीकत क्या है? अगर पूछा जाए कि वो स्मार्ट सिटी इन्होंने एक कहां बना के दी है तो ये नहीं बता पाएंगे कि इन्होंने। बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं। बनारस जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि माँ गंगे ने मुझे बुलाया, और आप बताइए बनारस की क्या दशा है? बिल्कुल, उन्होंने तो कहा था हम क्वेटो बना देंगे शंकर जी, क्या यही विकास है कि ये पतन है? इन्होंने देश के इकोनॉमी की रीढ़ तोड़ दी है, लोग 2 करोड़ लोग से ज्यादा बेरोजगार हो चुके हैं, इन्होंने रोजगार कोई दिया नहीं, 45 वर्ष में सबसे ज्यादा इस समय बेरोजगारी दर है, इस समय